नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल बेस्ट LIC प्लान पर स्वागत है। मित्रों, आज के समय में आर्थिक सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस की जरूरत सभी को है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अक्सर लोग बीमा करवाने में आनाकानी करते हैं और तरह तरह की ऑब्जेक्शन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में एक अभिकर्ता का यह फर्ज बनता है कि वह उन्हें जागरूक करे, उन्हें समझाए, उनकी ऑब्जेक्शन का समाधान करके उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में एक और ऑब्जेक्शन का समाधान करेंगे। ऑब्जेक्शन का टॉपिक है कि मेरा रिश्तेदार एजेंट है और मैं आपसे बीमा क्यों करवाऊं? तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, यह ऑब्जेक्शन भी आम है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के अलावा और भी कई कंपनियां आ गई हैं जो बीमा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इन कंपनियों ने भी एजेंटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी कर दी है। जाहिर है कि अब एजेंट ज्यादा हो गए हैं तो उनके रिश्तेदार भी ज्यादा होंगे। अब अगर हम उन रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो जाहिर है कि यह ऑब्जेक्शन आना स्वाभाविक है। लेकिन मित्रों, मेरे अनुभव कहते हैं कि यह ऑब्जेक्शन भी 90% टालने के लिए ही किया जाता है। 10% केस ही ऐसे होते हैं जहां यह समस्या हो सकती है। इसका मुख्य कारण है कि आज का ग्राहक जागरूक हो गया है और वह भी किसी प्रोफेशनल से ही व्यापार करना चाहता है। ग्राहक की सबसे बड़ी चाह होती है श्रेष्ठ सेवाएं। वह अच्छी से अच्छी सेवाएं चाहता है, इसलिए अब समझदार ग्राहक स्वयं भी रिश्तेदारों से व्यापार करने में कतराने लगा है। फिर भी कभी कभी ऐसा बहाना सामने आ ही जाए तो हमें उसका जवाब तो देना ही है। एक बार मेरे सामने भी एक ऐसा ही केस आया। ग्राहक ने कहा, मेरे चचेरे भाई ने भी एजेंसी ले ली है, मैं आपसे बीमा क्यों लूं? मुझे तो मुश्किल होगी। मित्रों, यह सुनते ही मैंने गर्मजोशी से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्यों, किस बात के लिए बधाई? मैंने हंसते हुए कहा, आपके भाई भी LIC एजेंट हैं और मैं भी LIC एजेंट हूं, तो हम और आप भी तो भाई भाई हो गए, क्योंकि आपके भाई हमारे प्रोफेशनल भाई ही तो हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, वैसे हम भी आपके भाई ही तो हैं, उन्होंने हंसते हुए कहा। इतने में उन्होंने चाय मंगा ली। हम साथ साथ चाय पीने लगे। चाय पीते हुए मैंने धीरे से कहा, सर वैसे एक बात कहूं? हाँ जरूर कहिए, उन्होंने बोला। सर, आप भले ही हमें पॉलिसी ना दें तो हमें कोई हर्ज नहीं होगा। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बल्कि अब तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे उसने हमें दिया है वह दूसरों को भी दे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप जब भी व्यवसाय करें किसी प्रोफेशनल एजेंट के साथ ही करें जो पूरी तरह अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित हों। ऐसे आदमी से कभी भी लेन देन ना करें जो इसे अतिरिक्त कार्य समझकर करता हो। आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ तो भूल कर भी लेन देन ना करें। क्यों, क्या हर्ज है इसमें? उन्होंने पूछा। सर, सबसे पहला हर्ज तो यह है कि रिश्तेदारी में कभी भी पैसों के लेन देन वाला व्यापार नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में आपको मैं अपने एक बहुत अच्छे मित्र का अनुभव बताता हूं। कुछ साल पहले मेरा एक परिचय एक बहुत अच्छे मित्र से हुआ। वे समय मेरे दफ्तर आए थे। एक अन्य पुराने ग्राहक ने ही उन्होंने मेरे पास बीमे के लिए भेजा था। वे मेरे पास आए और कुछ पॉलिसियों के विषय में जानकारी ली। दो पॉलिसियां उन्होंने पसंद की और दस्तखत भी किए। मैंने उनसे पहले की पॉलिसियों का ब्यौरा लेना चाहा तो उन्होंने इतना ही कहा कि पहले की पॉलिसियां तो हैं लेकिन अभी सब बंद पड़ी हैं। यह कहकर उन्होंने एक फाइल हमें दे दी और कोई भी पॉलिसी इनमें से नहीं चल रही थी, सभी बंद पड़ी थी। मैंने देखा उनमें से कई पॉलिसियों के बॉन्ड थे। उन्होंने कहा, जानते हैं सब क्यों बंद है? मैंने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक रिश्तेदार एजेंट से पॉलिसियां करवाई थी और जिसका दंड मुझे आज तक भुगतना पड़ा है। पॉलिसियां बंद हैं लेकिन मैंने पैसे नगद दिए हुए हैं, उन्होंने कुछ झल्लाते हुए कहा। क्यों, यह सब कैसे हुआ? मैंने पूछा। तब उन्होंने बताया
कि किसी रिश्तेदार के साथ बिजनेस करने में जो परेशानियां आई हैं वह मैं आपको बता रहा हूं और ये मेरे अनुभव हैं। सर, उन्होंने जो मुझे रिश्तेदार एजेंट के साथ हुए अनुभव बताए वह मैं आपसे बांट रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसी रिश्तेदार एजेंट के साथ व्यापार करने के मुख्यतः नुकसान हैं कि अगर कभी भी आपके मन लायक काम ना हो तो आप ज्यादा बोल नहीं सकते। ज्यादा रोष में आकर अगर आप कुछ बोलते हैं तो रिश्ते बिगड़ते हैं। किसी प्रोफेशनल के साथ आप व्यवसाय करते हैं तो आप मन लायक काम ना होने पर कुछ बोल भी सकते हैं। दूसरा, अगर वह कभी प्रीमियम लेने के लिए आए और आप तत्काल देने में किस स्थिति में नहीं हैं और कहते हैं कि अभी देने में दिक्कत है, तो वह इस बात की चर्चा अपने घर में भी करेगा और इससे उन लोगों की नजर में आपका स्टेटस कमजोर हो जाएगा। तीसरा, अगर कभी उसने कर्ज मांगा और आपने ना कर दी, तो वह सब जगह यही कहेगा कि इतना इतना प्रीमियम दे सकते हैं और मैंने जरूरत के समय कुछ पैसे मांग लिए तो सीधे इनकार कर दिया। इस तरह से अगर आपने कर्ज नहीं दिया तो रिश्तों में कटुता आएगी और अगर दे दिया तो आनी है ही है। चौथा, कभी आप प्रीमियम नगद भेजेंगे तो वह सीधे कह सकता है कि इसकी रसीद 2 महीने बाद दे जाऊंगा, अभी नहीं मांगिएगा, क्योंकि अभी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और इन पैसों का व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए रख रहा हूं। अगर आप लेट फीस की बात करेंगे तो वह सीधे कह देगा कि फाइन मैं दे दूंगा सर। सिर्फ फाइन भरने से कुछ दिन नहीं होता है, उतने दिन तक पॉलिसी में जीवन का बीमा भी हट जाता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी वे आपसे एक बड़ी रकम कर्ज के रूप में मांगेगा और अगर आप कह देंगे ना तो बोले कोई बात नहीं, आप नगद मत दीजिए, आप हमें बस इस नंबर का पॉलिसी नंबर निकाल कर दे दीजिए, मैंने लोन वैल्यू निकलवाया हुआ है, मैं इस पर अभी कर्ज निकलवा देता हूं, आप हमें चेक दे दीजिएगा। सर, कहने का मतलब ये है कि आप सदैव तनाव महसूस करेंगे, क्या यह जरूरी है कि आप पैसा देकर तनाव मोल लें? दूसरी बात है कि आपके द्वारा जमा की गई राशि की गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी परिवारों में नहीं रह पाएगी और अगर कोई दूसरा रिश्तेदार एजेंट भी पॉलिसी के लिए आ गया तो आप उन्हें मना भी नहीं कर पाएंगे और आपके लिए दुविधा की स्थिति हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि आप रिश्तेदार एजेंट से सिर्फ रिश्ते ही निभाएं, बिजनेस के रिश्ते से बचें। ऐसी स्थिति में यही रिश्तेदार एजेंट आपके दूसरे रिश्तेदार एजेंट को सूचना दे देगा कि आप रिश्तेदारी में बिजनेस करना पसंद नहीं करते। इतनी बात समझाने के बाद मेरे उस ग्राहक ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें इन झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहिए। सर, एक बात और है, अगर रिश्तेदार एजेंट आपकी ससुराल का है तब तो और भी सावधानी बरतने की जरूरत है, इसमें तो मीठे रिश्तों में भी खटास आ जाने की संभावना होती है, घर भी बर्बाद हो सकते हैं, मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। इसके बाद से वे हमारे एक अच्छे ग्राहक बन गए हैं और अब तो जब भी मिलते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि आपके साथ बिजनेस का लेन देन करके हमने एक रिश्तेदार को खोया नहीं है, बल्कि आपके अच्छे व्यवहारों से हमने एक अच्छा रिश्तेदार पा लिया है और अब तो आप मुझे अपने भाई जैसे ही लगने लगे हैं। तो मित्रों, इस तरह से हम इस ऑब्जेक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।